हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी रोहिणी किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज ढाबे स्टाइल बैगन का भरता की रेसिपी लाई हूँ। बहुत जल्द से बनने वाली और बहुत टेस्टी, एकदम ढाबे के जैसा स्वाद आएगा। जैसे मैंने लिया है ये दो बैगन, ये देखिए दो बैगन ली हूँ मैं, और मैंने ये लिया है एक प्याज, और मैं ली हूँ ये मटर और टमाटर, एक टमाटर, और अदरक लहसुन को बारीक कटा हुआ चॉप किया हुआ, हरी मिर्ची, नमक, और ये गरम मसाला है, और एक अलग से एक इन्ग्रीडियंट्स है, ये है मैंने काजू, काजू को इसे चॉप किया है, इसे हल्का दरदरा, इससे आपका स्वाद बहुत बढ़ाएगा बैगन के भरता में। और ये मैंने लिया सरसों जीरा, और ये मैंने नीचे कसूरी मेथी, और ये गरम मसाला है, नमक स्वाद अनुसार आप ले सकते हैं। और इस हिसाब से आप देखिए बहुत ही टेस्टी ये ढाबे स्टाइल बनेगा ये बैगन का भरता। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले तो इसे अपन जलाएंगे, बैगन को इसे हम लोग आग में पहले सेकेंगे। इसे पहले बीच से मैं एक चीरा लगाऊंगी, इसमें अच्छे से चीरा लगा के उसके बाद इसे आग से सेकेंगे, ताकि देखें कि इसमें कहीं कीड़ा तो नहीं है कहीं अंदर। चलिए देखिए इसे अभी मैं इसमें से ऐसे चीरा लगाऊंगी। देखिए बैगन एकदम साफ है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी, मिर्ची, हल्का सा नमक, हल्का सा नमक इसमें ऐड करेंगे। करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे हल्का से ऐसे, ताकि ये जल्दी से पक जाए अंदर, ऐसे हल्का सा ऐसे करना है। इसके बाद फिर दूसरा वाला लेते हैं, देखते ये इसमें कीड़ा है या नहीं। अगर कीड़ा रहा तो इसे हटा देंगे हम लोग। नहीं, बिल्कुल साफ है देखिए दोनों साइड। अब इसमें भी थोड़ा सा, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा आपका, बहुत ही अच्छा ढाबे स्टाइल इसका टेस्ट आएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। इसमें हल्का सा अपने को नमक, मिर्ची, हल्दी ऐड करना है, नमक इसमें अच्छे से लग जाए, ताकि कभी फ्राई होते समय बैगन में थोड़ा सा अच्छा सा नमक नहीं हो लगता है, तो इसमें अगर अपन लगा के कर दे तो ये स्वाद भी इसका दुगुना हो जाता है और अच्छा स्वाद भी आता है। इसे हल्का हल्का सा हम इसे छेद कर देंगे। बस ये दो बैगन तैयार है, इसे हम लोग अभी आग में सेकेंगे। ये देखिए मैंने एक जाली लिया है, ये दोनों बैगन मैंने इसमें लगा दिया है, ये अभी इसे अच्छे से सेकेंगे। इसमें इस बैगन में थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा। इसे थोड़ा सा पलट लेते हैं, देखिए ये भुनने लगा है, अच्छे से भुनने लगा है। देखिए इसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा से आने लगे। इसे स्टाइल से आप जरूर बना के देखिए कि बैगन का भरता ढाबे स्टाइल, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है, रेसिपी का जो स्वाद आता है इसका एकदम यूनिक टाइप की इसकी फ्लेवर आ रहा है अभी इसमें। बस इसी तरह इसे अलट पलट करके अच्छे से इसे भुनेंगे। जैसे मैं भून लेती हूँ, भुनने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से अच्छे से ये भुन चुका है। उसके बाद इसे बनाते हैं बैगन का भरता। ये देखिए बैगन में ऊपर से तेल लगाने की वजह से ये आगे अंदर से भी अच्छे से पक चुका है, ऊपर जो पपड़ी निकलती बैगन की वो सब नहीं निकली है, देखिए चिपका हुआ है। आप चाहे तो ऐसे छील के भी आप निकाल सकते हैं आराम से, जो इधर उधर डस्ट जैसे उड़ता है, अगर आप इसमें तेल लगा देंगे तो डस्ट जैसे नहीं उड़ेगा, बैगन का छिलका उसी में चिपका रहेगा, और ऐसे बड़ी आसानी से सफाई के साथ आप निकाल सकते हैं। ऑलमोस्ट हो गया है, ये भुन चुका है बैगन,
2 सेकेंड और मैं थोड़ा इन्हें इसे थोड़ी में खोलूंगी। पैन चढ़ा दिया मैंने, तेल डालूंगी। बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेना है क्योंकि इसमें हम लोग थोड़ा सा बटर भी यूज़ करेंगे, इसलिए 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल में भी इसे बना सकते हैं, उससे भी इसका स्वाद अच्छा आएगा। चेक कर लेते तेल गरम हुआ कि नहीं। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा सरसों और जीरा फोरन में डालूंगी। जैसे ही चटकता है उसके बाद बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन, ये हरी मिर्च, इन सबको हल्का सा भूनेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज में हल्का सा नमक डालेंगे ताकि प्याज जल्दी पक जाए, फ्राई तो हो, फ्राई होने के साथ साथ नरम हो जाए। नरम करने के समय हल्का सा नमक डाल देंगे। बटर, अमूल बटर यूज किया है, आप होममेड बटर भी यूज कर सकते हैं।
इसको मैंने तेल में स्टीम डाला ताकि इसमें गर्म आ जाए। अक्सर ज़्यादा हीट होने से बटर गल जाता है, उसके इसे ना टमाटर में ऐड करके इसे ये हल्का हल्का गलते ही जाएगा, तब तक टमाटर भी अपने टमाटर प्याज सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फ्राई भी हो जाएंगे। तो प्याज टमाटर तेल छोड़ने लगा है, टमाटर को बहुत ज़्यादा इसे महीन नहीं करेंगे, तो ऐसा हल्का सा इसे पकने देंगे बस। अब मैं इसमें हल्दी मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ, सबका अपना अपना स्टाइल होता है बनाने का। बैंगन का भरता तो कई लोग बनाते हैं, अक्सर सभी बनाते हैं, ये मेरे स्टाइल का है, आप एक बार जरूर इसे ट्राई करिएगा, आई होप अच्छा लगेगा आप सभी को ये रेसिपी मेरी। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी स्वाद अनुसार से नमक, देखिए कलर कितना अच्छा आने लगा है इसे, और ठंड में मटर वगैरह सब डाल के बनाओगे तो और ज़्यादा इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। फ्राई हो रहा है, अब इसमें मटर ऐड करेंगे, आप फ्रोजन मटर भी ले सकते हैं, पर ठंड में तो आ ही रहा है मटर, तो आप इसे ये मटर यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी चीज़ें में ऑप्शन नहीं रहता, आप जिसमें ऑप्शन है आप जितना हरा चीज़ यूज कर सके तो ज़्यादा अच्छा है। ये फ्राई हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं इसे फ्राई करेंगे ताकि कहीं ये मटर फिर फूटने लगता है। अब इसमें ये बारीक कटा हुआ मैंने चॉप कर दिया था बैंगन से, भुनने के बाद इसे बारीक बारीक करके मटर से इसे फ्राई करेंगे। आधा टी स्पून गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कसूरी मेथी, इससे स्वाद बहुत बढ़ाता है, हर सब्जी के स्वाद को बढ़ाता है कसूरी मेथी, हल्का सा क्रश करके सूखा हुआ डालेंगे, बस ये अच्छे से फ्राई हो जाए, बस ये लास्ट में काजू का जो मैंने चॉप करके रखा था काजू पाउडर को उसे डालेंगे, ये आपका बैंगन का भरता का स्वाद और भी बढ़ा देगा। आप इस स्टाइल से एक बार बना के देखिए, बैंगन का भरता बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा आप लोग को। इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए बस गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखिए इतना कलरफुल बैंगन का भरता बन के रेडी है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा, आई होप अच्छा लगेगा आप सभी को ये मेरी रेसिपी।
बस गैस का फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, फिर थोड़े ठंडे होने पर इसे गार्निश करेंगे हरी धनिया से। ये देखिए ढाबे स्टाइल बैंगन का भरता बन के रेडी है, इसे हरी धनिया से गार्निश कर देंगे। अब इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए ठंड के दिनों के बैंगन का भरता ढाबे स्टाइल का रेडी है। वैसे सर्व करूंगी मैं, इसे मैं रोटी के साथ सर्व करूंगी, तो अपने स्वाद के हिसाब से आप सर्व कर सकते हैं, आपको किसके साथ इसे एंजॉय करना है। मेरी रेसिपी आप लोग अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।